आप मेहरबानी करके इन पांचों सूत्रों को क्रम से एक बार फिर से हाँ, कॉपी है तो लिख लीजिए, डायरी है तो लिख लीजिए, और मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि नहीं लिख पाए तो भी चिंता मत करिए, ये सब सूत्रों की पुस्तकें, हमने कई पुस्तकें ट्रांसपोर्ट से भेजी थी, वो आ गई हैं, यहां पीछे हैं भरपूर मात्रा में, ये सब सूत्र उनमें विस्तार से है, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं, आप वो भी ले जा सकते हैं बाहर, आज स्टॉल पर भरपूर पुस्तकें। राजीव जी, आपके प्रथम सूत्र के अनुसार सोलार कुकर कितना उपयोगी है? बहुत अच्छा सवाल है, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे। देखिए, मेरे प्रथम सूत्र के अनुसार सोलर कुकर सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब सोलर कुकर एक ऐसी अद्भुत चीज बनी है या बनाई गई है जिसमें सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा, तो सोलर कुकर का खाना बहुत अच्छा। लेकिन कौन सा सोलर कुकर? देखिए, एक सोलर कुकर ऐसा आता है जिसमें डब्बे को बंद करके खाना बनाने के लिए रखते हैं ना, वो सब एल्यूमिनियम के डब्बे हैं, एल्यूमिनियम के वेसल जब तक है तब तक ये सोलर कुकर का खाना जहर है। लेकिन सिद्धांत रूप में सोलर कुकर भारत के हिसाब से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आप बोलेंगे फिर कोई वेसल बदल के उसमें रखे, रखिए। तो जैसे ही सोलर कुकर में वेसल आ जाए पीतल के कांसे के, आप उनका जरूर इस्तेमाल करिए, वो विज्ञान के हिसाब से, बागवत के हिसाब से सबसे उत्तम है। मेरी एक विनती है, आप मुझे सर मत कहिए, या तो भाई कहिए, राजीव भाई कहिए, कुछ भी कहिए, सर मत कहिए। आदरणीय राजीव भाई, आपके दूसरे सूत्र के हिसाब से 48 मिनट में खाना खा लेना चाहिए, पर जो बच्चे स्कूल सुबह चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं उनका हम क्या? बहुत अच्छा, उसके लिए मैं एक विकल्प बताता हूँ। जो बच्चे आपके सुबह सुबह स्कूल चले जाते हैं, कि बच्चों को खाना खिला के स्कूल भेजिए। आप बोलेंगे जी खाते नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं कैसे खाएंगे वो खाना। हमारे शरीर की अपनी एक साइकिल है, और वो साइकिल ये है कि कोई भी खाना खाएं तो उसके 8 घंटे के बाद ही भूख लगेगी आपको। तो एक रात पहले का खाना उनको उस समय खिला दीजिए कि सुबह तक 8 घंटे पूरे हो जाए, माने अगले दिन शाम को ही खाना खिला दीजिए, रात को मत खिलाइए। शाम को 6 बजे तक अगर आपने खाना खिला दिया 6 बजे तक, तो 8-9 बजे तक सोने की नींद उनको आई जाएगी, क्योंकि 1.5 घंटे के बाद जैसे ही खाना पच के रस में बदलता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ना शुरू कर देता है, और ब्लड प्रेशर बढ़े तो नींद आनी ही है, रुक नहीं पाएंगे आप। तो शाम का खाना 6 बजे उनको खिला दीजिए, 8 बजे तक नींद आ जाएगी, और 6 बजे से 8 घंटा गिनेंगे तो सवेरे 4-5 बजे तक वो पूरा हो जाएगा। तो 4-5 बजे के आसपास जब वो सोकर उठेंगे तो इतनी तेज भूख लगी होगी कि आप रोटी दाल चावल खिला दो वो खा के चले जाएंगे। आपको थोड़ा बदल ये करना है कि रात को हम बच्चों को 10 बजे खाना खिला रहे हैं या 11 बजे खिला रहे हैं, उसके 2 घंटे के बाद रस बन रहा है तो 1 बज जाएगा, 3-4 बजे तक आधा खाना पचा आधा नहीं पचा, सवेरे उठने पर भूख लगेगी कैसे? बच्चों को रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, इसको मैं कल या परसों बहुत विस्तार से समझाऊंगा, पूछ लिया आज आपने इसलिए कह रहा हूं, रात का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि बागवती जी का ये जो पहला नियम है ना, ये अभी मैंने आधा ही बताया, सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श हर समय वो कहते हैं खाते समय पीते समय रहना ही चाहिए। अब 6 बजे के बाद तो सूर्य प्रकाश रह नहीं सकता, और आप जानते हैं सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा परिणाम है विटामिन डी का निर्माण, सूर्य प्रकाश में ही विटामिन डी बनता है। तो जब तक ये सूर्य प्रकाश है तब तक खाना खाएं तो विटामिन डी मिले, और बच्चों को विटामिन डी सबसे ज्यादा चाहिए, इसलिए बच्चों को तो रात का खाना बिल्कुल बंद करिए, शाम 6 बजे खिला दीजिए, सुबह 7 बजे जब स्कूल जाएंगे खूब भूख लगी होगी उस समय 7 बजे पराठा बना के भी खिलाइए, आलू का भी पराठा खिलाइए, गोभी का भी खिलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह के भोजन पे आगे बात करूंगा, सुबह का भोजन जितना हैवी हो उतना अच्छा, गोभी का पराठा आलू का पराठा जितना पराठा पूड़ी जो जो पकवान सब सुबह, सब सब सुबह। दोपहर का खाना थोड़ा कम और रात का बिल्कुल कम, शाम का बिल्कुल कम। तो बच्चों को भरपेट खाना खिला के स्कूल भेजिए, लंच बॉक्स की जरूरत नहीं है, जब वो घर आए तो दूसरा भोजन कराइए और शाम को 6 बजे तक तीसरा भोजन। तो मैंने कुछ बच्चों पर प्रयोग किया, शाम का भोजन बंद किया, सुबह उठते ही भूख लगती है उनको, ये तो प्रकृति का नियम है, लगे। सारे जानवर सारे पक्षी उठते ही खाना खाते हैं, आप देखो चिड़िया है सुबह सुबह खाने पे लग जाएगी, गाय बैल भैंस बकरी सब सुबह खाने पे लग जाएगी, क्योंकि वो शाम को सूर्य के बाद खाना नहीं खाते, कोई गाय रात को खाना नहीं खाती, खिला के देख लो, जर्सी गाय को छोड़कर
जर्सी भारत की नहीं है इसलिए उसको भारत का पता भी नहीं है, वो रात को 2 बजे भी खा लेगी, लेकिन भारत की कोई भी गाय, भारतीय नस्ल की गाय 6 बजे के बाद खाना नहीं खाएगी। तो भारत की तासीर ऐसी है, इस तासीर को ध्यान में रखकर रात का खाना जल्दी करिए, सुबह भरपूर भूख लगेगी। और निवेदन इतना ही है कि खाली पेट बच्चों को कभी स्कूल मत भेजिए, खाली पेट तो कभी मत भेजिए। आपने कह दिया जी दूध पी के गया, दूध पी के गया माने एक तरह से खाली पेट, सॉलिड कुछ नहीं है। सॉलिड सुबह सुबह शरीर में जाना बहुत ही आवश्यक है अगर भविष्य में आप उसको एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर से बचाना चाहते हैं। तो हमारे चिंतकों ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे इतिहासकारों ने कहा है कि परिवर्तन ही जीवन है। तो क्या सारे परिवर्तन बेमानी है? अगर हाँ, ऐसा है, अगर परिवर्तन बेमानी नहीं है तो ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम अपनाएं और ऐसे कौन से परिवर्तन है जिसे हम ठुकराएं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए दुनिया में हर समय परिवर्तन होते हैं, ये प्रकृति का नियम है और यही जीवन है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि कौन से परिवर्तन हमारे अनुकूल हैं और प्रतिकूल हैं, बस इतना ध्यान देना। अब इस बात को बागवत जी कहते हैं एक सूत्र में, अब आपने पूछ लिया तो वो सूत्र भी बस, वो ये कहते हैं कि जिस आबो हवा और परिस्थिति में आप रहते हैं उसमें रहते हुए जो परिवर्तन होगा वो आपके अनुकूल है, और जो आबो हवा और परिस्थिति में आप नहीं रहते हैं वहां जो परिवर्तन होगा और आप उसको धारण करेंगे वो आपके प्रतिकूल है। अब मैं इसको और स्पष्ट करता हूं। यूरोप और अमेरिका में पिछले 100 साल में जितनी रिसर्च हुई वो उनके लिए बहुत अनुकूल है, उनके लिए। रेफ्रिजरेटर यूरोपियन लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। जब मैं ये भाषण जर्मनी में दूंगा तो उल्टा ही बताऊंगा उनको, मैं कहूंगा जरूर रेफ्रिजरेटर लाओ, माइक्रोवेव ओवन भी रखो, उनके लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि उनकी कंडीशन में वो परिवर्तन हुआ है। हमारी कंडीशन में जो हम परिवर्तन करेंगे वो हमारे लिए अनुकूल होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चक्की है, चक्की तो चक्की में एक परिवर्तन आज हुआ है, पहले वो नहीं था आज हुआ है, हमने चक्की में बियरिंग लगा दिया है। पहले चक्की में बियरिंग नहीं होता था, खाली वो एक ऐसा लोहे का वो डंडी होता था और उसके चारों तरफ हम उसको चाक को घुमाते थे, बीच में लकड़ी का एक उसमें वो लगाते थे, वो लकड़ी का हमने निकाल के उसमें बियरिंग लगा दिया, ये भी परिवर्तन हुआ, ये हमारे अनुकूल बैठता है क्योंकि बियरिंग लगने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है वो कम हुआ, और फ्रिक्शन कम हुआ तो हम कम श्रम में ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। श्रम तो हो ही रहा है लेकिन जितने श्रम में हम पहले 1 किलो आटा लेते थे उतने ही श्रम में अब 3 किलो आटा मिल रहा है, ये भी परिवर्तन है लेकिन ये हमारे अनुकूल है। इसी तरह से और एक उदाहरण दो, हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं पूना में, उन्होंने बैलगाड़ी के पहिए में भी बियरिंग लगा दिया, परिवर्तन यहां भी हुआ, नई बैलगाड़ी बनी उसमें बियरिंग का पहिया है। अब उसका क्या हुआ कि बैल को खींचने में मदद हो गई, पहले बैल 1 टन अनाज लेके जाता था, अब बियरिंग लगी हुई बैलगाड़ी में वही बैल 3 टन लेके जाता है और बिना थके हुए, तो ये भी परिवर्तन है। जी एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ पूछो। इलेक्ट्रिक गैस को यूज करना के नहीं? ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी हो तो ठीक है, अगर आपके पास उसका कोई विकल्प नहीं है तो जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अगर विकल्प है, भारत में तो है ये मैं जानता हूं, इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं है। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।